The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों? आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। सारे मुस्लिम दोस्तों को हमारे, आज हम आपसे बताएंगे कि कैसे आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्या होता है जब आप इस तरह का फास्ट रखते हैं और किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें हमने ऑलरेडी आपको बताई हैं, कुछ और हम ऐड करेंगे, कुछ और बेसिक्स बताएंगे। होता क्या है, फास्टिंग के दौरान आप कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते और इस दौरान आपकी बॉडी सबसे पहले रात में खाई गया जो भी आपने रात में खाया पिया था उस पर्टिकुलर चीज़ों को इस्तेमाल करती है बॉडी एनर्जी के लिए। और उसके बाद आपके बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उनको इस्तेमाल करती है और उसके बाद यूज़ होता है, उसी के साथ ही यूज़ होता है बेसिकली फैट्स, ये भी यूज़ होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन ये तो चलो चल जाता है, इस दौरान कोई इसमें इशू नहीं आएगा अगर आप प्रॉपरली अपना रेगुलर डाइट लेते हैं तो, एवरेज भी अगर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट्स हैं। लेकिन द मेजर प्रॉब्लम इज़ क्या, मेजर प्रॉब्लम आता है पानी से, क्योंकि पानी आपकी बॉडी इस तरह से एनर्जी कार्बोहाइड्रेट फैट के जैसे पानी के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकती। और इसीलिए जब पानी नहीं लिया जाता एक दिन के लिए भी, तो आपकी बॉडी सीधा पानी को कंजर्व करने की, बचाने की कोशिश करती है किडनी के थ्रू। किडनी को कहती है कि यूरिन कम बनाना है, यूरिन गाढ़ा बनता है, यूरिन येलो आने लगता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बॉडी पानी लूज़ नहीं करेगी, पानी बिल्कुल लूज़ होगा। कहाँ से जाएगा पानी? जाता है नंबर वन आपके, जब आप यूरिन जाते हैं तो यूरिन में थोड़ा पानी जाएगा ही जाएगा, आपके स्किन के थ्रू थोड़ा पानी जाएगा ऑयल्स के साथ स्किन मॉइस्चर करने के लिए, साथ ही स्वेट में, पसीने में पानी जाएगा और साथ ही पानी जाता है जब आप सांस लेते हैं। जी हाँ, जब आप सांस लेते हैं तो पानी वेपराइज भी होता है। तो पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको समझना है। डिहाइड्रेशन एक बहुत ज़रूरी कॉम्प्लिकेशन है जो आपको समझना है। यानी एक तो मौसम पे डिपेंड करेगा और फास्टिंग कितनी लंबी है उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग जो लोग फास्ट करेंगे, ज़्यादातर लोगों को एटलीस्ट माइल्ड डिहाइड्रेशन तो होगा ही। माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या होगा, उनके हेडेक शुरू होगा, सर में दर्द शुरू होगा, थकावट होगी, कॉन्सेंट्रेशन में इशू आएगा, डिफ़िकल्टी आएगी कॉन्सेंट्रेशन, इतना तो एटलीस्ट होगा। और स्टडीज़ ये बताती हैं कि ये कोई, लेकिन ये टेम्पररी है, ये हार्मफुल नहीं है हेल्थ के लिए, ये हेडेक भी, कॉन्सेंट्रेशन, टायर्डनेस भी, अगर आप, हार्मफुल नहीं है अगर आप फ्लूइड्स को प्रॉपरली रिप्लेस कर लें जब आप इफ्तार के बाद खाना खाएंगे, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप खा लें उस टाइम पे, राइट? और अगले दिन के लिए अपने आप को रिहाइड्रेट या प्री हाइड्रेट करके रखें, राइट? रिहाइड्रेट करना है इफ्तार के बाद और सुरूर से पहले पहले अपने आप को प्री हाइड्रेट करके रखना है, ताकि आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में पानी गया हो। सो पूरा 3 लीटर 4 लीटर के आसपास पानी, लिक्विड्स आपको लेके रखना है, इट्स इम्पॉर्टेंट, इफ्तार से सहरी तक इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट? और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको चक्कर भी आ सकता है, आप गिर भी सकते हो, आपके अंदर सॉल्ट वाटर इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है और गिर गएंगे, डिहाइड्रेट होंगे तो गिर के बेहोश भी हो सकते हैं। अगर तो आप गिर के बेहोश हो गया कोई, तो आपने क्या करना है, आपने उनके पैर को सर के ऊपर एलिवेट करना है, हेड एंड हेड लो करना है, पैर एलिवेट हो जाएंगे तो कम से कम सर को जो डिहाइड्रेशन है, ब्लड है, वो सर तक जाना ज़रूरी है, इतना ज़रूर करेंगे और ऑब्वियसली उन्हें इमरजेंसी डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएंगे, राइट? और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो है कैफीन, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक। जो लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, टी लेते हैं, थे पूरे दिन में, तो या ले नॉर्मली अमाउंट में भी लेते थे एक दो बार, उनमें क्या हो जाएगा, एकदम से अब वो चाय, कॉफ़ी, टी नहीं ले रहे हैं, तो उस नहीं लेने की वजह से भी इनिशियली शुरुआत में उनको सरदर्द और टायर्डनेस होगा, जी हाँ होगा, लेकिन ये समय के साथ अपने आप थोड़ा थोड़ा बेटर हो जाएगा। जैसे जैसे वो 4 दिन 6 दिन एक हफ्ता हो जाएगा फास्टिंग करते हुए, तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है बिना कैफीन के पूरा दिन रहने के लिए।
लेकिन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक बार आप फास्ट ब्रेक करते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट है अपनी शरीर को रिहाइड्रेट करना, ना कि एनर्जी लेना, क्योंकि आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बहुत हैं। जो मेन चीज़ आपके अंदर कमी आएगी वो आएगी पानी की, राइट। सो रिहाइड्रेशन इज मेन। उसके बाद हाँ, ज़रूर है एनर्जी रीगेन करना खाने पीने से, वो भी ज़रूरी है, लेकिन दैट इज़ प्राइमरी नहीं है, राइट। अगर आप लंबे समय के लिए नहीं खाते हैं तो फिर आपको ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आप धीरे धीरे खाएं, स्लोली खाएं जब भी आप फास्ट ब्रेक करते हैं, और उस समय बहुत आपके अंदर फ्लूइड ज़्यादा, पानी की मात्रा ज़्यादा जानी चाहिए, फैट की मात्रा कम जानी चाहिए, राइट। और फ्लूइड रिच फूड जाना जिसमें पानी ज़्यादा होता है, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ें आपने ज़्यादा खानी है, राइट। और जैसे उसमें सूप्स भी ले सकते हैं, जो सूप होती है, स्ट्यूज़ होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगर आप अगले दिन का फास्टिंग कर रहे हैं तो फास्टिंग से पहले अपने आप को रिहाइड्रेट करने के लिए भी आपको अच्छी मात्रा में फ्लूइड रिच फूड सब्सटेंसेज और पानी को अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, पानी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना है। नमक या सॉल्ट प्यास बढ़ाता है, स्टिमुलेट्स थर्स्ट। अगर आपने सहरी के समय बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड ले लिया, जंक फूड ले लिया, या ऑयली फूड ले लिया, ऑयली सॉल्टी फूड से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और वो एक अच्छा आइडिया नहीं है आपका फास्ट शुरू करने से पहले, राइट। सुरूर से पहले या सहरी से पहले इट्स वेरी गुड कि आप एक अच्छी बेसिकली हेल्दी डाइट खाएं, जिसमें के उस टाइम पे क्या खाना क्या नहीं खाना ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और उस फूड से जो आपका टारगेट होता है, वो जो आपका उद्देश्य होता है, वो होता है कि आपके फ्लूइड्स और एनर्जी पूरे दिन के लिए आपके अंदर रहे, और स्लो एनर्जी वाले फूड रहे, ना कि एकदम आपके अंदर शुगर बढ़ा देने वाले वो चीज़ें, ना कि एकदम ज़्यादा सॉल्टी और तेल तले हुए चीज़ें ज़्यादा रहे, राइट। अगर ये हेल्दी चॉइसेस आप लेंगे तो आप पूरे दिन की फास्ट को बहुत आसानी से और अच्छी तरह से कोप कर पाएंगे। इफ्तार बेसिकली थोड़ी अलग चीज़ है, वो एक तरीके का सेलिब्रेशन टाइम है, फैमिलीज फ्रेंड्स एक साथ आके अपना फास्ट ब्रेक करते हैं। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह के ओवरबोर्ड ना चले जाएं खाने के लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना एक साथ ना खा लें, और ज़्यादा भी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड, बहुत ज़्यादा क्रीमी, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड एक साथ ना खा लें। उस वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आपका वज़न बढ़ेगा, आपका अगले दिन का फास्ट करने में मुश्किल होगी, ये बात याद रखिए, राइट। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये टाइम, बहुत इम्पॉर्टेंट है रमज़ान के टाइम, फास्टिंग के टाइम पे आप अपने डाइट को, अपने बैलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं डाइट के दौरान, और इस बैलेंस डाइट खा के और इस तरीके से वज़न कम कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक आप एक्चुअली रख सकते हैं, राइट। और बहुत ज़रूरी है इसमें आपको हाई फाइबर फूड खाना, फाइबर जैसे होल ग्रेन्स जैसे सीरियल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ब्रान हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वो सारी चीज़ें को अपने डाइट में रखना, क्योंकि कई लोगों को इनके चलते, इनकी कमी के चलते और पूरे दिन पानी ना पीने के चलते कॉन्स्टिपेशन भी, कब्ज़ भी हो जाती हैं। तो अगर आप अच्छी मात्रा में फाइबर खाएंगे, अच्छी मात्रा में फ्लूइड प्रीहाइड्रेट करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस आपको थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, रिमेंबर दैट। तो इफ्तार के बाद थोड़ा वॉक करना ज़रूरी है। सो कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन और हाई सॉल्ट डिजीनेस, इन सब चीज़ों से इस तरह से आप बच सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, और सभी हमारे मुस्लिम दोस्तों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। अल्लाह आप पे मेहरबान रहे, खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।